मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश सहित 3 बदमाशों को खोराबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने ट्रक पर बिक्री के लिए लिए जा रहे 19 राशि गौवंश के बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र राजेंद्र यादव 15,000 का इनामी है। उसी के साथ उसके 2 सहयोगी यादव पुत्र हीरालाल यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक कमलेश यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस लाइन सभागार में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया। तवंग यादव और रविंद्र यादव, ये कपड़े गैंगस्टर में वांछित था और 15,000 का इसके ऊपर इनाम था। साथ में 2 है और लोग, तवंग यादव और रविंद्र यादव, ये दोनों पकड़े गए हैं। इसमें ये जब जा रहे थे संत कबीर नगर से 19 गोवंशी को लेके जा रहे थे, तो इसमें 14 गाय थी और 5 बछड़े थे। उनको ये लेके वाहन जिससे 19 गौवंशीय पशु जा रहे थे, जिसमें 14 गाय और 5 बछड़े थे, उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें 3 अभियुक्त इनको संत कबीर नगर से इनको लेके जा रहे थे। और इसमें एक जो कमलेश यादव पकड़ा गया है, वो 15,000 का गैंगस्टर में वांछित था, उसको भी पकड़ा गया है। और इसके 2 अन्य साथी हैं, जिसमें एक दवन यादव और रविंद्र यादव, ये 2 इनके साथी इनको लेके जा रहे थे। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और गौवंशीय पशु जो कि एक इनको इनके साथ पकड़ा गया, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत करके तीनों को जेल भेजा जा रहा है। और बाकी जो भी इसमें और भी डिटेल्स पता चलेंगे उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। हाँ, 307 का मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर का इसके ऊपर अपराध पहले से पंजीकृत है और इसका आपराधिक इतिहास प्रेस नोट में आपको दिया गया। यही थे पिछली बार जो हम लोगों पे ठीक ट्रक चढ़ाने का प्रयास किए थे, कमलेश अपने आप पहचान लिया था कि आप जो कर जाके आगे मोतीराम मंडा के पीछे कहा कि जब मतलब सोनू कल